समस्त भक्त वृंद मान गोवर्धन मठ श्री गुरुदेव दर्शन निमित्त कार्यक्रम संचालन निमित्त जयपुर वासी तेणु ठीक अच्छे तो समस्त की निवेदन करी पूज्यपाद राष्ट्र संबंधित निवेदन कर दर्शन श्री महोदय दर्शन तरफ सदा सर्वदा मठ निश्चित भाव से मठ को आसबे समस्त गुरुदेव पदाधिकारी सदस्यगण उसके साथ साथ क्षेत्रीय जो सभी पार्टियों रखते हैं इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका प्रस्तुत की और क्षेत्रीय 30 संगठनों ने एकजुटता पूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित करने में भूमिका प्रस्तुत की। यहाँ का कार्य विश्व में भारत के हिंदुत्व को लेकर के पहचान रहे हैं और दुनिया भर में रहने वाले 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को एक दर्जा प्राप्त हुई है कि दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है उसमें 100 अरब से अधिक भारत में रहने वाले उन सब लोगों को बहुत बड़ी ऊर्जा इन 16 महीने में प्राप्त हुई है। अमेरिका के पार्लियामेंट में वहाँ के अपोजिशन के एक सांसद ने यह बात कही कि भारत हिंदू राष्ट्र होने की तैयारी कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को विचार करना चाहिए कि भारत से अब हमारे संबंध कैसे होंगे। तो अमेरिका के पार्लियामेंट में ही यह बात हुई है। ब्रिटेन में जगत गुरु के आशीर्वाद से ही हम सब लोग समझ रहे हैं कि जो सेवक रहना है वो ऋषि सुनक जिनको कह रहे हैं वो ब्रिटेन में अभी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरन हैं। ये सब हिंदुत्व के प्रचार का सूचक है और अभी अभी यह सूचना है, अभी अभी दुबई के जो प्रधानमंत्री हैं जो यूनाइटेड अरब के रूप से प्रसिद्ध है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने वहाँ का एक स्टेट है जो कि लगभग 84 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका नाम पूर्व में था अल मिनहाद। उस अल मिनहाद को हिंदुओं की भूमिका अरब के उत्कर्ष में वहाँ की कुल जीडीपी को खड़ा करने में जो मैन पावर लगा है वो बहुत प्रामाणिक और वहाँ के सरकारी आंकड़े हैं कि 70% भारतीय लोग हैं और हिंदू लोग हैं उसमें जो वहाँ के मैन पावर को खड़ा किए हैं। तो अल मिनहाद नामक जो स्टेट था 84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ उसको हिंद नगर के नाम से मानवता के प्रतीक के रूप में उसको किया है। यह बात और है कि विश्व मीडिया अभी भी विधर्मी तंत्रों से प्रभावित है,
वो ऐसी खबरों को विश्व स्तर पर ज्वलंत स्थान न दे करके अपने कुछ अलग खिचड़ी पकाती है। लेकिन जगत गुरु बार बार कहते हैं सिद्ध महापुरुषों की जवानी होती है उसका अनुगमन करने के लिए पूरा विश्व बाध्य होता है। ऋषिणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। और अब भारत की रक्षा के लिए निश्चित रूप से भारत की अखंडता, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना नितांत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति का दूसरा अर्थ है, भारतीय संस्कृति का सीधा तात्पर्य है वैदिक सनातन आर्य हिंदू। जो व्यक्ति कहते हैं जगत गुरु की वाणी, जो लोग कहते हैं हम भारत के भक्त हैं, जो आई लव इंडिया कह रहे हैं, जो हम भारत से प्यार करते हैं ये कह रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि भारत का, भारतीय संस्कृति का मतलब है यहाँ के मानविंद, यहाँ की गंगा, यहाँ की देशी वेद लक्षणा गाय, यहाँ का पहनावा, यहाँ का भोजन, यहाँ के वेदादि शास्त्र, यहाँ के मठ मंदिर, यहाँ के संत महापुरुष, यहाँ की रहनी, यहाँ का जीवन, ये सब वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म की भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के बिना नाम का भारत भारत नहीं है, वो इंडिया हो जाएगा। इसलिए जो कहते हैं कि हम भारत से प्रेम करते हैं और भारतीय संस्कृति से द्रोह करते हैं, उनको निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही के रूप में घोषित करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म ही है। अस्तु, वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म की रक्षा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा है, भारत की रक्षा है, भारत के अर्थ की रक्षा है। और जगत गुरु बार बार कह रहे हैं आर्थिक धरातल पर भी भारत को अगर विश्व के शिखर पर पहुंचाना है, उसके लिए भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना आवश्यक है। हमारी राजनीतिक सीमाएं, हमारी सामाजिक सीमाएं, हमारी धार्मिक सीमाएं, हमारी सांस्कृतिक सीमाएं, हमारी वेल्थ को, हमारी आर्थिक सीमाएं, जब सब कुछ हमारे अनुकूल होगी तभी जाकर के भारत मजबूत होगा। अस्तु, भारत की समग्र रक्षा का यह उद्घोष है, इसीलिए किसी भी प्रकार की विचारधारा को शिथिल करके हम सभी भारत में रहने वाले लोग भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करें। जगत गुरु बार बार कह रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो बोलने वाला केवल भारत और भारत में वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म है। इसलिए विश्व का कल्याण हो केवल कहते नहीं है, वैदिक सनातनी आर्य हिंदुओं में हमारे मान्य आचार्य चरण जिनका हम दर्शन कर रहे हैं वो विश्व का हित चाहने वाले हैं, और विश्व का हित किस में है ये जानने वाले हैं, विश्व का हित करने में तत्पर भी हैं, दिन रात लगे हैं, और विश्व का हित करने का सामर्थ्य भी उनके पास है। जिन जिन लोगों ने लोगों के हित का ठेका लिया, नए देश बनाए, सीरिया के कानून बनाए, अलग अलग कानून बनाए, उन लोगों ने उस देश के अर्थ को नष्ट कर दिया, उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया, वहाँ के लोगों की सुख शांति को नष्ट कर दिया। इसलिए यह प्रमाणित हो चुका है विश्व धरातल पर कि विश्व शांति का अगर एकमात्र कोई उपाय है तो उसका नाम वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म है, हमारे मान्य आचार्य चरण है। इसलिए सभी छोटी मोटी और कुचली हुई विचारधाराओं से जो लादी गई ब्रेन वॉश जो विचारधाराएं हैं उसका त्याग करके पुनः अपने पूर्वजों के मार्ग पर, जिस पर रघु दिलीप इत्यादि चले, जिस समय भारत जगत गुरु के रूप में ख्यापित था, जिस समय भारत सोने की चिड़िया के रूप में ख्यापित था, जिस समय भारत में कोई बेरोजगार नहीं था, सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित थी, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त था, सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भारत के परंपरा प्राप्त राजर्षि होते थे और वो जिन आचार्य चरणों के मार्गदर्शन में चलते एवं हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी को सफल प्रतिभा कर प्रसाद सेवन व्यवस्था जो मैंने प्रसाद नहीं ना प्रसाद दिखु एवं स्वामी जी जाऊँगी आज आसंका का